गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल लेट एस बिगेन फर्स्ट आई विल टेल यू वॉट इज एरिया द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय अ अलोज फिगर इज नोन एज एरिया ऑफ द फिगर बेटा जो भी आपकी फिगर है चाहे वो रेक्टेंगल है चाहे वो स्क्वेयर है वो फिगर जितना भी एरिया कवर करती है जितना भी सरफेस कवर करती है उस मेज़र को हम एरिया कहते हैं अब आप बेटा फार्मूलाज देखिए हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ता है फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ आपको रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दे रखी होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाता है नाउ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वेयर अगर हमें स्क्वेयर का एरिया निकालना हो तब कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्र जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड क्योंकि स्क्वेयर की जो फोर साइड्स होती हैं वो इक्वल मेजर की होती हैं है ना तभी तो वो स्क्वेयर है तो अगर हमें स्क्वेयर का एरिया फाइंड करना होता है तो एरिया ऑफ स्क्यर जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है नाओ लुक एट एक्सरसाइज फाइव बी आपका क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द एरिया इफ ईच स्मॉल स्क्वेयर हैज एन एरिया ऑफ वन स्क्वेयर सेंटीमीटर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर जो दे रखी है उसमें छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल से स्क्वेयर हैं देखिए मैंने सी पार्ट लिया है सी पार्ट में आप कुछ स्मॉल स्क्वेयर दिख रहे हैं देखिए इस फिगर में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट स्मॉल है है उन्होंने बोला है कि ईच स्मॉल स्क्र का मतलब स्मॉल का जो एरिया है वो वन स्क्र सेंटीमीटर है तो इसमें हमारे पास कितने स्मॉल स्क्स हैं एट तो एट स्मॉल स्केयर्स का एरिया कितना होगा मीन्स इस फिगर का एरिया कितना होगा इस फिगर में हमारे एट स्मॉल स्क्यर है तो कहने का मतलब यह है कि एट स्मॉल स्केयर्स का एरिया कितना होगा एरिया ऑफ वन स्मॉल स्क्वेयर कितना है वन स्क्वेयर सेंटीमीटर एरिया ऑफ गिवन फिगर गिवन फिगर में एट स्मॉल स्क्वेयर है तो एट इंटू वन स्क्वेयर सेंटीमीटर यानी एट स्क्वेयर सेंटीमीटर ठीक है बेटा नाउ क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल थ एंड ब्रेथ आर गिवन देखिये बेटा आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है डी पार्ट डी पार्ट में लेंथ है आपकी फोर किलोमीटर और ब्रेथ है आपकी थ्री किलोमीटर आपको एरिया निकालना है रेक्टेंगल का आप जब भी पार्ट करेंगे तो आपको जिस भी चीज का एरिया निकालना है रेक्टेंगल का निकालना है तो आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है अगर आपको स्क्वेयर का एरिया निकालना है तो के एरिया का फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ यानी फोर किलोमीटर ब्रेथ यानी थ्री किलोमीटर फोर थ्री दर किलोमीटर बेटा आप बार बार देख रहे हैं कि हमारी जो भी यूनिट है उसके साथ मैं स्क्र लगा रही हूँ जब हम एरिया निकालते हैं तो हमारी यूनिट जो भी होती है वो स्क्वेयर में हो जाती है यानी ट्वेल्व स्क्र किलोमीटर नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री में है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वेयर साइड इज देखिए बेटा साइड दे रखी है साइड दे रखी है सी पार्ट में फाइव सेंटीमीटर आपको स्क्वेयर की जो साइड है वो फाइव सेंटीमीटर दे रखी है आपको उस स्केयर का एरिया निकालना है तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमें जिसका भी एरिया निकालना होता है उसका फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है यहां पे मुझे स्केयर का एरिया निकालना है तो मैं एरिया ऑफ स्केर का जो फॉर्मूला है वो जरूर लिखूंगी एरिया ऑफ स्केयर होता है साइड इंटू साइड साइड कितनी है फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर इंटू फाइव सेंटीमीटर फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव और मैंने आपको बोला था जो भी यूनिट होती है उसको हम स्क्वायर में लिखते हैं स्क्वेयर सेंटीमीटर इट बेटा क्वेश्चन नंबर फोर देखिए फाइंड द मिसिंग मेजरमेंट इन ईच आपको कुछ आ, जो आपको फिगर दे रखी है उसमें कुछ मेजरमेंट मिसिंग है हमें वो फाइंड आउट करने हैं बी पार्ट देखिए बी पार्ट में उन्होंने हमें दे रखा है कि एरिया जो दे रखा है वो है सिक्सटी फोर स्क्वेयर सेंटीमीटर ये आपका स्क्वेयर फिगर है इसमें आपको इस स्क्वायर का एरिया सिक्सटी फोर दे रखा है आपको साइड फाइंड आउट करनी है तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो हमको कितना दे रखा है सेंटीमीटर आपको निकालनी क्या है साइड अगर हमें स्क्वेयर की साइड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं साइड ऑफ स्क्वेयर जो होती है वो होती है स्क्वेयर रूट ऑफ एरिया ठीक है स्क्यर रूट ऑफ एरिया कितना है 64 फोर स्क्वायर मीटर अब आपको इस 64 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि वो उसी नंबर से ब्रेक हो मतलब 64 को हम कैसे ब्रेक करेंगे 8 एट दिक्कसटी फोर एट इंटू एट दोनों हैं है ना इस तरीके से 36 होता तो मैं 6 6 दर्टी सिक्स ब्रेक करती 25 होता तो मैं 5 5, 5 द 25 मतलब दोनों नंबर जो है वो सेम है 8 8 द 64 इस तरीके से हम ब्रेक करते हैं अब ये जो दो नंबर है इनसे एक बाहर निकाल लो तो आपकी साइड निकल जाएगी एट सेंटीमीटर सी पार्ट देखिए बेटा सी पार्ट में आपको रेक्टेंगल दे रखा है उस रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है नाइन्टी नाइन स्क्वेयर सेंटीमीटर और आपको ब्रेथ दे रखी है नाइन सेंटीमीटर आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है नाइन्टी नाइन स्क्वेयर सेंटीमीटर और ब्रेथ रेक्टेंगल की नाइन सेंटीमीटर आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ रेक्टेंगल की कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय ब्रेथ जो आपको एरिया दे रखा है उसको मैं ब्रेथ से डिवाइड करूंगी एरिया कितना दे रखा है नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन को हम ब्रेथ यानी नाइन से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर में हमारा लेंथ आएगी नाइन्टी नाइन को नाइन से डिवाइड करूंगी मेरे आ जाएगा इलेवन सेंटीमीटर गॉट इट बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है ए पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ टेन सेंटीमीटर एंड ब्रेथ एट सेंटीमीटर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसमें लेंथ आपको टेन सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेथ आपको एट सेंटीमीटर देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे लेंथ आपको टेन सेंटीमीटर ब्रेथ एट सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला लिखना हर पार्ट में जरूरी है इसलिए मैंने लिखा है लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ यानी टेन सेंटीमीटर ब्रेथ यानी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे 10 8 80 और मैंने आपको क्या बताया है? कि एरिया स्क्वायर यूनिट में निकलता है यानी स्क्वायर सेंटीमीटर गॉट इट बेटा नाउ वी विल डू पार्ट बी पार्ट बी में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर आपको स्क्वेयर का एरिया निकालना है और साइड दे रखी है थर्टीन सेंटीमीटर तो एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है साइड इंटू साइड यानी थर्टीन सेंटीमीटर इंटू थर्टीन सेंटीमीटर थर्टीन को थर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे वन सिक्सटी नाइन स्क्वेयर सेंटीमीटर बेटा बार बार आप नोटिस कर रहे हो कि यूनिट से पहले मैं एस क्यू लिख रही हूं एसक्यू का मतलब स्क्वेयर सेंटीमीटर है ना सी पार्ट देखिए जमाल अ बेडशीट मेजरिंग थ्री मीटर बाई टू मीटर जमाल ने एक बेडशीट परचेज करी है जिसकी मेजरमेंट है थ्री मीटर बाई टू मीटर थ्री मीटर बाई टू मीटर का मतलब यह है कि इसमें से एक मेजरमेंट लेंथ है और एक मेजरमेंट ब्रेथ है ठीक है वट इज द एरिया ऑफ बेडशीट आपको बेडशीट का एरिया निकालना है आपको जब पता चल रहा है कि एक मेजरमेंट मतलब लेंथ या ब्रेथ में से एक मेजरमेंट आपकी थ्री मीटर की है और अदर मेजरमेंट टू मीटर के इसका मतलब ये रेक्टेंगल शेप की बेडशीट है तो आप यहां पर रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो लेंथ इन टू ब्रेथ यानी थ्री मीटर मल्टीप्लाई बाय टू मीटर सिक्स वही स्क्वायर मीटर ठीक है बेटा डी पार्ट देखिए डी पार्ट में है मीना बॉट अ स्क्वायर शेप्ड फोटो फ्रेम ऑफ साइड नाइन सेंटीमीटर मीना ने एक स्क्वायर शेप का फोटो फ्रेम परचेज करा है और उस फोटो फ्रेम की जो साइड है वो है नाइन सेंटीमीटर की फाइंड द एरिया ऑफ फोटो फ्रेम आपको उस फोटो फ्रेम का कौन से फोटो फ्रेम का स्क्वायर शेप का जो फोटो फ्रेम है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है साइड ऑफ स्क्वायर फोटो फ्रेम कितनी है इन सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्यर आपको पता है साइड इनटू साइड यानी एरिया ऑफ स्क्यर फोटो फ्रेम क्या होगा नाइन सेंटीमीटर इंटू नाइन सेंटीमीटर एटी वन स्क्वेयर सेंटीमीटर इट बेटा ओके